गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि कल मैं इस बीच पे आया था इवनिंग में, तो आपने देखा कि पूरा सूखा पड़ा था, सिर्फ वैसे गीला था। आप देखिए पानी की वेव्स, आप देख सकते हैं। रात को, मेरे ख्याल से रात को ज्वार आया होगा, इसलिए पानी की वेव्स आपको यहाँ तक दिखाई देगी। पूरा पानी पानी है, और सुबह सुबह तक घाटा आ गया होगा, इसलिए सब उतर गया है। तो दोस्तों ये है, पूरा ओस बना हुआ है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे पानी की आवाज़। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो आपको पानी की आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी। और अभी अर्ली मॉर्निंग है, मैं थोड़ा एक मॉर्निंग वॉक करने आया था बीच पे, तो ये देखिए जो आप पानी देख रहे हैं, पानी की तो वेव्स, ये देखिए कहाँ तक आई है, कहाँ तक बनी है। तो थोड़ा डर भी लग रहा है। कल शाम को मैं बहुत दूर तक चला गया था, और अब देखिए अब मेरी जाने में थोड़ी हालत ख़राब हो रही है। अचानक से अगर वेव्स अगर आ जाए तो समझिए कि क्या होगा, बहा के भी लेके जा सकता है, इसलिए तैरना तो आता है नहीं, तो इसलिए दूर दूर रहो वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए पानी देखिए दोस्तों कहाँ तक आया था ये पानी, और ये देखिए कुछ बहा के लेके गया है, मतलब कि थोड़ा कचरा उधर पड़ा हुआ है, तो पानी आई थिंक से उधर तक वेव्स गई होंगी। और रात को मैं इसी रास्ते से आगे बढ़ा था, वहाँ पर एक छोटे से टी के स्टॉल्स हैं उधर चाय पानी पीने के लिए। अब ये देखिए पानी की वेव्स, ये देखिए कहाँ तक आई है, उधर इतनी दूर था और अब कितना पास आ गया है। ये देखिए जब पानी उतरता है तो कैसा एक वेव सी एक बन गई है इस तरीके से। सुबह सुबह ही उतरा होगा, अब सुबह आने इतनी अर्ली मॉर्निंग आने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मौसम देखिए कैसा है, ओस देखो लगता है बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, और थोड़ा वेपराइजेशन के कारण भी ओस ज़्यादा है। और दोस्तों जैसे कि अपने हरियाणा साइड में क्या होता है, ओस है तो एक ठंडक भी होती है। यहाँ कोलकाता में जहाँ मैं हूँ मंदरमनी में, ओस है पर ठंडक नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक हाफ टी शर्ट पहन के ही घूम रहा हूँ, और ठंडक नहीं है बिल्कुल भी। एक ठंड होती है ना कि ओस पड़ जाता है तो एक ठंड सी लगती है, तो वो ठंडक वाली बात नहीं है, सिर्फ एक ओस ओस है यहाँ पे। देखिए और ओस देखिए बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। ये देखिए ये जो आप छोटे छोटे होल्स आप देख रहे हैं, ये किस चीज़ के हैं ये मैं बता दूँ, ये है क्रैब, जो बहुत छोटे छोटे क्रैब होते हैं, केकड़ा, ये उनके घर है। और जैसे ही कोई मूवमेंट होती है वो सीधा अपने बिल के अंदर घुस जाते हैं। तो अभी मेरे को एक भी नज़र नहीं आ रहा है, वरना मैं आपको दिखा देता। ये केकड़ा कोई दिख जा दिख जा दिख जा मेरे व्यूअर्स के लिए दिख जा, बहुत छोटा है, अगर दिख भी गया तो एकदम से फोकस करना पड़ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये जो आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, ये देखिए देखिए देखिए, ये जो आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं इनके अंदर ही हैं केकड़े, बहुत छोटे छोटे केकड़े अपना घर बना रहे हैं। पर क्या फ़ायदा, तो पानी आएगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये जितनी भी आप कलाकृति देख रहे हैं इसको जिस तरीके से, और ये पूरे बीच में फैला हुआ है, कुछ इस तरह की जो कलाकृति है वो हो रखी है। और ये उनके छोटे छोटे केकड़ों के घर हैं, दिखाई नहीं दे रहा है भाई, दिख जाओ कोई तो दिख जाओ। चलो दिखेगा तो मैं ज़रूर फोकस करूँगा इस बार आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये मैंने बिल्कुल जूम कर दिया है कैमरे के लेंस को, और आपको दिखा रहा हूँ केकड़ों के ये घर को। दोस्तों दिखने में आप नेकेड आई से जब देखेंगे तो बहुत सुंदर लगता है, एकदम फूलों के डिज़ाइन का है, पर असली में ये घर है केकड़े के। हल्की सी धरती पे मूवमेंट होती है, ये एकदम से अपने बिल में घुस जाते हैं क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं। हाँ जब वेव्स आती है तो इनके सारे मकान वॉश आउट हो जाते हैं।